गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? अच्छे हैं। सब लोग अच्छे हो? अच्छा, आज जो है हम लोग विज्ञान विषय में बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। आप लोग ये बताओ, हमारे शरीर में बीमारियां कैसे फैलती हैं, हम बीमार कैसे होते हैं, बताइए। मच्छर द्वारा? अच्छा, गंदा पानी पीने से, और गंदा खाना खाने से, और सूक्ष्म जीवों द्वारा भी फैलती हैं। किसके द्वारा? सूक्ष्म जीव जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, हम जिनको देख नहीं पाते हैं, वो इतने छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। तो जो आज का टॉपिक है विज्ञान का आपका, वो यही है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। तो सूक्ष्म जीव जैसे आपके जीवाणु, विषाणु, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस, इनसे भी बहुत सारे रोग फैलते हैं। और जो ये मच्छर मक्खी हैं, ये इन रोगों को फैलाने का माध्यम बनते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हो, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। तो इधर रोग हैं, और ये जो कारक हैं, यानी जो सूक्ष्म जीव हैं यहाँ इस कॉलम में, इसके बाद माध्यम क्या है, लक्षण क्या, और बचाव भी साथ में लिखा गया है कि इन रोगों से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहला देखिए रोग क्या है, क्षय रोग, जिसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टीबी भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो कारक होता है, यानी जीवाणु द्वारा फैलता है, और इसका जो कारक है यानी जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन फैलाता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन फैलाता है? तेज बोलिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इसका जो संचरण का माध्यम है वो क्या है? वायु के द्वारा फैलता है। और इसमें लक्षण क्या होते हैं? आपको खांसी, बुखार, पसीना आना, छाती में दर्द होना, गले में दर्द होना, गिल्टियां भी निकल आती हैं, ठीक है, थकान महसूस होती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करोगे कि रोगी को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, व्यक्तिगत स्वच्छता, और जो उचित दवाइयां हैं उनको हमें लेना आवश्यक होता है। यानी जो व्यक्ति टीबी से ग्रसित है, हमें उससे दूरी बना करके रखना है। ठीक है, उसके प्रयोग किए गए सामान जैसे तौलिया, बेडशीट, चादर, बिस्तर, कंघी, इन सबको हमें इस्तेमाल नहीं करना है। यानी उसकी प्रयोग किए गई जो वस्तुएं हैं उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। और व्यक्तिगत स्वच्छता यानी साफ सफाई पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगला आपका रोग क्या है? ये खसरा। ये भी किससे फैलता है? रोग कारक जीवाणु क्या है, यानी विषाणु के द्वारा फैलता है। यानी इसका जो सूक्ष्म जीव है वो विषाणु फैलाता है। किसको किसको फैलाता है? खसरा को। और इसका भी माध्यम क्या है? वायु। वायु के माध्यम से फैलता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? दाने, थकान, बुखार, यानी इसमें भी वही हाल होता है, दाने निकल आते हैं, थकान आ जाती है, बुखार, सिरदर्द। ठीक है, और इसमें भी वही बचाव के उपाय हैं, रोगी को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना यानी क्वारंटाइन करना, और जो है साफ सफाई पर, व्यक्तिगत स्वच्छता पर, और समय पर जो है इसमें टीकाकरण भी करवाना है। इसका जो है जो समय है टीका लगवाने का, उसमें हमें टीका भी लगवाना है। इसके बाद अगला रोग है आपका चिकन पॉक्स। क्या है? चिकन पॉक्स, जिसको आप लोग गांव में जो है माता कहते हो, चेचक। चेचक सुना है? यस। तो उसका ये भी किससे फैलता है? विषाणु के माध्यम से फैलता है। और इसका जो माध्यम है संचरण का, वो भी वायु और सीधे संपर्क, यानी वायु के माध्यम से भी फैल। और जो है जब हम किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, यानी किसी को चेचक आया है, निकला हुआ है, और हम उसके संपर्क में आ जाएं, तो ये सीधे संपर्क से भी फैलता है। इसीलिए हमें जो चेचक का जो रोगी होता है उससे दूरी बना के रखना चाहिए, या इसीलिए उसको जो है अलग कमरे में या अलग स्थान पर रखा जाता है जब तक उसको ये रोग ठीक नहीं हो जाता है।
इसके लक्षण क्या है? इसके भी लक्षण में देखो, दाने, घाव, बुखार, यानी इसके दाने बहुत ज्यादा शरीर पर निकल आते हैं छोटे छोटे, ठीक है, और वो दाने घाव कभी कभी बन जाता है, बुखार तेजी से आता है, सर में जो है थकान होती है, सिर में दर्द लगता है, शरीर टूटता है, ठीक है, ये इसके लक्षण हैं। इसमें भी जो है हमें जो है उसका टीकाकरण पर ध्यान देना है और उचित दवाइयों का प्रयोग करना है। साफ सफाई पर विशेष तौर पर ध्यान देना है, व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान देना है। इसके बाद अगला रोग है पोलियो। क्या है? पोलियो। ये किससे फैलता है? ये भी विषाणु द्वारा फैलता है। किससे फैलता है? और ये वायु और जल किसके माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से और वायु और जल के माध्यम से, समझ रहे हो? यानी कि इसके जो बैक्टीरिया है वो वायु में उड़ते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है दूषित जल पीने से, यानी दूषित पानी पीने से भी जो है ये रोग होता है, ठीक है। तो हमें हमेशा कैसा पानी पीना चाहिए? स्वच्छ पेयजल का प्रयोग करना चाहिए, यानी साफ पानी पीना चाहिए। अब इसमें होता क्या है कि इसमें मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? आपने देखे होंगे जो पोलियो के रोगी होते हैं, उनके पैर टेढ़े हो जाते हैं, यानी उनकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं जिसके कारण पैर टेढ़े हो जाते हैं और या हाथ जो है पतला हो जाता है, ऐसे देखा होगा, ठीक है। तो ये इसके लक्षण हैं। फिर इसमें वही साफ सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता आदि पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा पोलियो का जो है टीका होता है, पोलियो का टीकाकरण होता है, आप लोगों ने भी पिया होगा पोलियो ड्रॉप, ठीक है, तो हमें वो भी समय समय पर पिलाते रहना चाहिए। इसके बाद अगला रोग है हैजा। ये किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा फैलता है। और इसको फैलाता कौन है? विब्रियो कॉलेरी, यानी जो जीवाणु फैलाता है उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। इसमें ये जल और भोजन इसका संचरण का माध्यम बनता है, ठीक है। जल और भोजन यानी कि जब हम दूषित जल का प्रयोग करते हैं, कटे फटे बाजार के फल जिन पे मक्खियां मच्छर बैठे हुए होते हैं खूब, ठीक है, और इसके अलावा जो है बासी जो है भोजन प्रयोग कर रहे हैं, यानी ऐसा भोजन प्रयोग कर रहे हैं जिससे वो हमारे रोगों को वो बढ़ावा देता है। इसलिए बचने के लिए हमें साफ पानी और व्यक्तिगत स्वच्छता और जो है जो खाद्य पदार्थ प्रयोग कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? ताजे होने चाहिए और शुद्ध होने चाहिए। अब हैजा का लक्षण क्या होता है? उल्टी, दस्त, पेट दर्द, ठीक है, आपने देखा होगा उल्टियां आने लगती हैं, पेट में दर्द हो जाता है, ठीक है, तो ये इसके लक्षण है जाके। और फिर वही व्यक्तिगत साफ सफाई, अच्छा भोजन, स्वच्छ पानी का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद अगला है आपका टाइफाइड। टाइफाइड ये भी किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा फैलता है। और फैलाता कौन सा जीवाणु है? साल्मोनेला टाइफी। कौन फैलाता है? साल्मोनेला टाइफी। कौन फैलाता है? और इसका भी माध्यम क्या है? जल, ठीक है। और इसके लक्षण तेज बुखार, सिर में दर्द, ठंड लगना, ठीक है, ये इसके लक्षण हैं, यानी थकान हो जाना सर में, या कह सकते हो सुना बुखार आना, ये टाइफाइड बुखार के जो है लक्षण हैं। तो इसमें बचना क्या है कि जो हम पानी पीते हैं वो पानी उबाल करके पीना चाहिए, यानी कि उबला हुआ पानी पीना चाहिए, और जो हम भोजन खा रहे हैं वो भोजन भली भांति पका होना चाहिए, कच्चा भोजन नहीं खाना चाहिए, जिससे क्या होगा जो उस पर बैठे हुए जीवाणु हैं वो कैसे हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला आपका है हेपेटाइटिस। क्या है? हेपेटाइटिस, ठीक है, ये इसके भी हेपेटाइटिस जो है इस रोग के भी कई और छोटे छोटे, यानी इसके और भाग होते हैं और रोग होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी पर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हेपेटाइटिस, ठीक है। तो इसका रोग कारक क्या है? विषाणु। क्या है? विषाणु द्वारा फैलता है। और इसका भी संचरण का माध्यम क्या है? जल है। संचरण का माध्यम क्या है? जल है। अब इसमें क्या होता है? सीधे बैठो। साफ, ताजा, शुद्ध भोजन का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद अगला आपका रोग जो है सूक्ष्मजीव द्वारा मलेरिया है। क्या है? मलेरिया। ये जो है प्रोटोजोवा के द्वारा होता है। प्रोटोजोवा जो है वो सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं? एक कोश की सूक्ष्म जीव, यानी कि ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, ठीक है।
एक कोष की जीवों के द्वारा जो एक कोष की जीव वे जीव होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा, एंट अमीबा, ठीक है, युगलीना, पैरामीशियम। तो यहाँ पर जो मलेरिया है वो फैलने वाला रोग है, और उसको कहते हैं मलेरिया जो फैलाता है वो प्लाज्मोडियम होता है, उसका नाम लिखा गया है प्लाज्मोडियम, ठीक है। मलेरिया को फैलाने वाला जो प्रोटोजोवा है वो प्लाज्मोडियम है, और इसका जो संचरण का माध्यम है वो मादा एनाफिलीज मच्छर है। क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर है। मलेरिया का जो संचरण का माध्यम है मलेरिया का वो क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन फैलाता है? मादा मच्छर, और वो भी एनाफिलीज मच्छर फैलाता है। इसमें क्या होगा लक्षण? कि ठंड लगती है, बुखार आता है, सिर में तेज दर्द होता है, शरीर में पसीना आता है। तो इसमें करना क्या है? ये तीनों बीमारियां जो है मच्छरों के ही काटने से होती हैं, इसलिए हमें मच्छरों के काटने से बचाव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मच्छरों को काटने से बचाने के लिए क्या करोगे आप लोग? मच्छरदानी का, हाँ, मच्छरों को काटने से बचने के लिए क्या करोगे बताओ? मच्छरदानी का प्रयोग करोगे। इसके अलावा देखा होगा मच्छरों से काटने से बचाने के लिए क्रीम आती है, है ना, बोडोमास ऐसे करके कुछ, उसको भी हमें लगा करके अपने मच्छरों को काटने से बचना चाहिए, यानी मच्छर रोधी रसायनों का प्रयोग करके, या इसके अलावा कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करके, नालियों में भरे हुए पानी जहाँ जब रहता है वहाँ पर हमें उसका छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे वो मच्छर क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे, मच्छर के लार्वा मर जाएंगे और मच्छर नहीं पनपेंगे और ये बीमारी कम हो जाएगी। क्या बाद अगला रोग है? डेंगू। डेंगू किससे फैलता है? विषाणु के द्वारा फैलता है, और इसको भी फैलाने का काम कौन करता है? एडीज मच्छर। कौन सा मच्छर? एडीज मच्छर फैलाता है। इसमें भी क्या है? बुखार आता है, चकत्ते निकल आते हैं, जोड़ों में दर्द, जो हमारे जॉइंट्स हैं, जोड़े जो हैं उसमें भी दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, थकान आ जाती है। इसके अलावा बचना फिर वही मच्छरों के कटाव से, हमें मच्छरों के यानी काटने से हमें क्या करना है? बचना है, कैसे भी करके, मच्छरदानी का प्रयोग करके, या मच्छर रोधी क्रीम का इस्तेमाल करके, या कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करके। बाद अगला है आपका चिकन, क्या है बोलिए? चिकन गुनिया। क्या है? ये भी कैसे फैलता है? विषाणु के द्वारा फैलता है, और इसको फैलाने का संचरण का माध्यम कौन बनता है? एडीज मच्छर। कौन बनता है? एडीज मच्छर। यानी ये तीनों बीमारियां जो है मच्छरों से ही फैलती हैं। तो हमें मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से क्या करना है? बचाव करना है। तो इसके बाद अगला देखिए, इसके लक्षण क्या हो जाते हैं चिकनगुनिया के? इसमें भी बुखार, ठंड लगती है, उल्टी आती है, जोड़ों में दर्द, मितली, सिर में दर्द, ये किसके लक्षण है? चिकन गुनिया के। तो इससे भी बचने के लिए हमें क्या करना होगा कि कई दिन तक बुखार रहने पर हमें डॉक्टर्स को दिखाना होगा, ठीक है। अगर आपको कई दिन तक बुखार रहता है तो आप डॉक्टर्स को दिखा कर से उससे सलाह लीजिए और दवाई लीजिए, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, जो सूक्ष्म जीव है वो बीमारियां अधिक फैलाते हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए हमें जो सूक्ष्म जीव जैसे मक्खी है, मच्छर है, इनसे बचाव करना है। अपने घर में जो भोजन है, पानी है, उसको हमेशा ढक कर के रखो, ठीक है, उस पर मक्खियाँ और मच्छर बैठने मत दो। बाजार के कटे हुए फल जो मिलते हैं ना बाजार में, कटे फटे फल या कुछ खाद्य सामग्री जिस पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं, बैठती हैं, उनसे हमें खाने से बचना चाहिए, जिससे हम अपनी बीमारियों से अपने शरीर का बचाव कर सकें।